नमस्कार साथियों, बिहार SSC इंटर लेवल की परीक्षा तिथियों का वेट कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। जितने भी हमारे छात्र बिहार SSC की इंटर लेवल की परीक्षा तिथियों का वेट कर रहे थे, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अभी अभी जारी हो चुकी है काफ़ी बड़ी अपडेट। जितने भी छात्र हैं अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बिहार SSC इंटर लेवल परीक्षाओं से संबंधित पल पल की पूरी जानकारी आप सभी को सबसे पहले बताई जाती है। दोस्तों गूगल पर जाइए, सर्च करिए बिहार SSC TMBU। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप लोग बिहार SSC TMBU सर्च करेंगे, आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, बिहार SSC इंटर लेवल की परीक्षा तिथि हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी, उन सभी छात्रों का इंतजार खत्म होता हुआ, लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार अब यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते 1 से 2 महीनों से काफ़ी तेज़ी से छात्र अब यहाँ पर ट्विटर और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन भी मांग उठा रहे थे कि बिहार SSC इंटर लेवल की परीक्षाओं को जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि लाखों छात्रों ने इसमें आवेदन किया है। और आपसे एक बता दें, एज में भी कई सारे जो है परिवर्तन अब आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें, बिहार में इस समय 3 से 4 वैकेंसी रुकी हुई हैं, जिसमें से बिहार SSC इंटर लेवल की परीक्षा भी है। अब इन परीक्षाओं को 5 मार्च 2024 से 10 मार्च के बीच में करवाया जाने वाला है, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। और जितने भी हमारे बिहार SSC इंटर लेवल के छात्र हैं, इन सभी छात्रों के लिए एक नई नोटिस आ चुकी है। आप लोग जो नोटिस है, आप लोग जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 3 बड़े बदलाव आप सभी की एग्ज़ाम में होने वाले हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ रही है, वहीं बात करें तो CCTV कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, और सुरक्षा व्यवस्था भी अब काफ़ी टाइट यहां पर नज़र आएगी। बिहार SSC इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 का वेट कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर। आप सभी का इंतजार अब यहाँ पर ख़त्म होता हुआ, बीते 3 महीनों से बिहार SSC इंटर लेवल की परीक्षा तिथियों का इंतजार हो रहा है। काफ़ी सारे छात्र यहाँ पर तैयारी भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, आप सभी की जो परीक्षा है अब यहाँ पर 5 मार्च तक की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एडमिट कार्ड भी जल्द आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। इस बार कई बड़े परिवर्तन आपको एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और परीक्षा के